दोस्त होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज हम एक स्टोरी सीखेंगे और वो स्टोरी है राम की। राम ये एक बहुत ही गुड बॉय है और बहुत ही प्यारा सा बच्चा। वो डेली अपने घर के सामने से एक स्कूल बस को देखता है जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं और उसका मन भी बहुत होता है कि वो भी स्कूल जाए। ये राम के मम्मा पापा है, ये राम की मम्मा है और ये राम के पापा है जो खेत में काम करते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो राम का एडमिशन एक बड़ी सी स्कूल में करवा सके और वो खेत में काम करते हैं। वहीं एक दिन जब राम स्कूल बस को देख रहा था तो उसके मम्मी पापा राम को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि हम मेहनत करके अपने बच्चे का एडमिशन बड़ी स्कूल में करवा सकते हैं। तो उस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बहुत मेहनत करेंगे और अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में जरूर करवाएंगे। फिर राम के मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत की और नेक्स्ट ईयर उन्होंने राम का एडमिशन बहुत बड़ी स्कूल में करवाया और राम बहुत खुश हो गया। राम डेली स्कूल जाता था और डेली बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख के आता था और राम हर साल स्कूल में फर्स्ट आता था। फिर एक दिन राम के साथ उसकी फ्रेंड उसके घर आई स्टडी के लिए, प्लेइंग के लिए, जिसका नाम है नेहा। राम की फ्रेंड नेहा जो राम के घर आती है और राम के मामा पापा सबसे पहले नेहा का स्वागत करते हैं। वेलकम बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए हमारे घर। तो नेहा कहती है, थैंक यू अंकल जी एंड आंटी जी, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी। और जब राम के मामा पापा कहते हैं, इंजॉय करो बेटा और प्लेइंग करो, और वो दोनों अपने वर्क पर लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राम और नेहा बहुत मस्ती करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब हमें थोड़ा समय स्टडी करना चाहिए। तो जब नेहा ने अपनी स्टोरी बुक निकाली और उसे रीड करता करते नहीं आया तो नेहा राम की मम्मा के पास गई। आंटी जी, मुझे ये स्टोरी रीड करते नहीं आ रही, प्लीज आप मुझे थोड़ा बताओगे कि इसे कैसे रीड करते हैं। तब राम के मम्मा पापा उसे कहते हैं, बेटा हमें पढ़ाई लिखाई नहीं आती, हमें रीड करना नहीं आता। तो फिर नेहा वहाँ से आ जाती है और वो राम को क्या बोलती है पता है? वो राम को बोलती है, अरे राम तेरे मम्मा पापा को तो पढ़ाई लिखाई नहीं आती, और बहुत हंसती है। राम बहुत निराश हो जाता है और उसके मम्मा पापा भी। फिर नेहा वहाँ से चले जाती है और फिर राम अपने मामा पापा से बहुत नाराज हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि आपने क्यों कहा नेहा को कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, और वो अपने मामा पापा से एंग्री हो जाता है और सो जाता है। उसी रात राम को बहुत फीवर आता है, उसे बहुत कोल्ड लगता है। फिर उसके मामा पापा उसकी बहुत सेवा करते हैं, उसे बहुत पौष्टिक खाना खिलाते हैं और उससे बहुत पट्टियाँ रखते हैं और बहुत सेवा करते हैं। फिर राम को रियलाइज़ होता है कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए गलत शब्दों का उपयोग किया। तो राम ने सुबह पता है क्या कहा? सुबह राम ने उसके मम्मा पापा को सॉरी कहा, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, मैंने आपके लिए गलत शब्दों का यूज़ किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी। तो उसके मामा पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, गलती तो बच्चों से होती है। फिर वो बोलता है थैंक यू। फिर उसके मामा पापा काम पे
लग जाते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद राम अपनी स्टडीज के लिए बाहर जाता है। और उसके मम्मा पापा उसकी स्टडीज के लिए मनी सेंड करते रहते हैं ताकि उनका बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी करे। फिर कुछ दिन बाद राम बड़ा हो जाता है और अपने घर को आता है। राम बड़ा होके डॉक्टर बन जाता है और वो अपने घर आता है और फिर वो अपने मम्मा पापा को कहता है, मम्मा पापा मैंने विदेश में एक बहुत बड़ा घर बनाया है, आप चलिए हम वहीं पर सब रहेंगे। तो राम विदेश अपने मम्मा और पापा दोनों को ले जाता है। फिर राम उस बड़े घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जहाँ राम सभी को इनवाइट करता है और उस पार्टी में रिया भी रहती है और रिया को बहुत बुरा लगता है कि उसने उस दिन अंकल जी और आंटी जी को गलत कहा। फिर रिया पता है क्या कहती है, अंकल जी आंटी जी आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपको गलत कहा, ऐसा मुझे नहीं कहना था। राम आई एम सॉरी। तो फिर अंकल जी आंटी जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो बच्चों से होती है। फिर रिया स्टैंड हो गई। फिर राम वो उस बहुत बड़ी पार्टी में कहता है कि आज ये पार्टी मैंने अपने मामा पापा को थैंक यू बोलने के लिए रखी है। उस पार्टी में राम अपने मामा पापा को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू मामा, थैंक यू पापा, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की और आप लोगों की मेहनत की वजह से आज मैं डॉक्टर बन गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर राम के मामा पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है। सो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मम्मा पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, तब वो मनी सेव करते हैं, तब वो हमारा एडमिशन करवाते हैं। तो हमें भी उन्हें अच्छे से अच्छी स्टडी करके हैप्पीनेस देनी चाहिए ताकि वो भी बहुत हैप्पी हो जाए। और अब देखते हैं कि इस स्टोरी को किसने बहुत अच्छे से लिसन किया। सम क्वेश्चंस, ओके। पहला क्वेश्चन है कि राम के मम्मा पापा क्या करते थे? तो राम के मम्मा पापा वर्क करते थे। किसमें? खेत में। राम के मम्मा पापा खेत में काम करते थे। राम बड़ा होके क्या बना? यस, राम बड़े होके डॉक्टर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के फ्रेंड का नाम क्या था? राम के फ्रेंड का नाम नेहा था। यस, हमें अच्छी स्टडी क्यों करनी चाहिए? हमें अच्छी स्टडी इसलिए करनी चाहिए